केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए 7 पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई हैं। दूरस्थ क्षेत्र की पोलिंग पार्टियां जिला निर्वाचन अधिकारी की देखरेख में रवाना की गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने रवाना की गई पोलिंग पार्टियों को निष्पक्ष, पारदर्शिता एवं कुशलता निर्वाचन को संपादित कराने के लिए शुभकामनाएं एवं बधाई दी। उन्होंने सभी कार्मिकों से निर्वाचन प्रक्रिया को आपसी समन्वय, निष्पक्ष ढंग से संपादित कराने के निर्देश दिए हैं। रिटर्निंग अधिकारी साथ केदारनाथ उप जिलाधिकारी अनिल कुमार शुक्ला ने कहा कि 166 पोलिंग पार्टियों को कल उनके गंतव्य के लिए रवाना किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सबसे पैदल दूरी वाला मतदान केंद्र राजकीय प्राथमिक विद्यालय गौडार है, जिसकी सड़क मार्ग से पैदल दूरी 6 किलोमीटर है। इसके बाद राजकीय प्राथमिक विद्यालय तोशी, जिसकी सड़क मार्ग से पैदल दूरी 5 किलोमीटर है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय चिलोन एवं राजकीय प्राथमिक विद्यालय ब्यूंखी, जिसकी सड़क मार्ग से पैदल दूरी 4 किलोमीटर है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय जग्गी बागवान, राजकीय प्राथमिक विद्यालय बेडूला, राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुणजेठी की सड़क मार्ग से पैदल दूरी 3 किलोमीटर है। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। 07 केदारनाथ विधानसभा का उप निर्वाचन 2024 चल रहा है, जिसमें हमारी आज 7 पार्टियां जो रिमोट की थी और पैदल अधिक दूरी की थी, 3 किलोमीटर से अधिक दूरी की, उनको जो है आज रवाना किया गया और सभी 7 पार्टियां जो है हमारी आज रवाना हो गई हैं। और उसके साथ हमने सेफ्टी के रूप में जो है फॉरेस्ट से 2 गार्ड और पुलिस के सुरक्षा जवान तैनात किए हैं और वेबकास्टिंग टीम भी है उनके साथ। तो हमारी पार्टी जो है रवाना हो चुकी है।